हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में रफली 1% के आसपास का रैली देखने को मिला है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली 220 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोग के वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों 220 रुपए के स्टॉक हमें 850 रुपए के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला और दोस्तों वहां से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, जिसकी वजह से इसका प्राइस 500 के आसपास में आते हुए देखने को मिला। हालांकि दोस्तों एवरी गिरावट के ऊपर हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था, दोस्तों अगर इस स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिलता है तो हमें इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकवरी देखने को मिलेगा। और दोस्तों 850 रुपये के स्टॉक गिर के 500 के आसपास में आया और वहां से फिर से इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस 740 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ, तो यहाँ पे 8% का मुनाफा दिया है पिछली 1 मंथ में इस स्टॉक में, जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में भी इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पिछले 1 साल का इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 24% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि ये भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे पिछली 5 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में 386% से एबव का मुनाफा का फिगर है यहाँ पे, जो कि ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस रफली 850 रुपये के आसपास में था और दोस्तों वहाँ से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गिरावट हुआ, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें 500 के आसपास में आते हुए देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ से फिर से हमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस यहाँ पे 740 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यही ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 2020 के फर्स्ट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जब स्टॉक लिस्ट हुआ था वहां से स्टॉक जैकपॉट साबित हुआ और दोस्तों यहां से इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, हालांकि फिर से इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके आगे देखने को मिल सकता है, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड के रिगार्डिंग। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसका रेवेन्यू का फिगर, तो यहाँ पे देख सकते हो इस साल का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ग्राफ है, हालांकि पिछली 5 ईयर ग्राफ है। एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस किया है, बिजनेस में कोई गिरावट है नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए नेट प्रॉफिट ग्राफ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्राफ में इस साल में गिरावट है, क्योंकि एक्सपेंस अधिक बुक किया है कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस यानी कि रेवेन्यू ग्राफ पिछली 5 ईयर ग्राफ है, एवरी ईयर अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ में ग्राफ शो किया है, हालांकि नेट प्रॉफिट ग्राफ में इस साल में गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक्सपेंस अधिक बुक किया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में इस साल में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा खासा है, इसका बिजनेस ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से स्टॉक फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे 8100 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि मिड कैप से बिलोंग करता है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसका 52 की हाई कहते हैं, स्टॉक प्राइस हमें 770 के आसपास में देखने को मिला, जो कि लो की बात करेंगे तो 500 यहाँ पे 32 का लो का फिगर है। और दोस्तों स्टॉक प्रीच की बात करेंगे तो अभी 40 के आसपास का है, जो कि इंडस्ट्री के प्रीच की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो 32.2 का फिगर है। हालांकि रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका रिटर्न इक्विटी का फिगर भी अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है, रिटर्न कैपिटल इफेक्ट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है यहाँ पे हमें 10 रुपए का फिगर देखने मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 61% का होल्डिंग है, जो कि कोई प्रमोटर का सर प्रेज नहीं है। और दोस्तों EPS इसका 20 रुपए के आसपास का है, हालांकि डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.04 का फिगर है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री भी है, जो कि अपने आप में काफी शानदार है। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो 260 करोड़ का है, काफी स्ट्रॉन्ग फिगर है। हालांकि दोस्तों जो इसका PE रेशियो है ये भी हमें हाई देखने को मिल रहा है, तो
तो स्टॉक फंडामेंटली काफी शानदार है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्री कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग फिगर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसका क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो इसका क्वार्टरली सेल्स का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। एवरी क्वार्टर का यहाँ पे देखा जाए जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में सेल्स का फिगर शो किया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर शो किया जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका ईयरली सेल्स की हम बात करेंगे तो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी एवरी ईयर का अच्छा खासा है। यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक सेल्स का फिगर शो किया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पिछले साल के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस अधिक बुक किया था कंपनी ने। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल में हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि एक्सपेंस अधिक बुक किया कंपनी। हालांकि इस साल के अभी तक का फिगर काफी शानदार है। और दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का 18% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल का ओनली 2% का है। हालांकि इस साल के अभी तक स्ट्रॉन्ग फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का 39% का सीएजीआर का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, जो कि पिछले 1 साल का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले 3 साल का 17% का फिगर है, जो कि ये भी अपने आप में अच्छा खासा है। हालांकि रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रिजर्व का फिगर भी कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक एवरी ईयर फिगर शो किया है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों ब्रोइंस की बात करेंगे तो कोई खास डेप्ट नहीं है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। हालांकि यहाँ पे फिक्स एसेट के फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक फिगर शो किया है। तो फंडामेंटल इसका जबरदस्त है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग 61% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई का होल्डिंग 5% का है। हालांकि एफआई ने थोड़ा सा बिकवाली किया है यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग। हालांकि डीआई ने जबरदस्त तरीके से खरीदारी किया है, डीआई ने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में इसका 18.5% का होल्डिंग है डीआई का, जो कि यहाँ पे दोस्तों जून क्वार्टर में ओनली 16% के आसपास का होल्डिंग था। तो यहाँ पे डीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक में खरीदारी किया है। हालांकि रिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 15% के आसपास का होल्डिंग है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 680 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1000 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है। तो दोस्तों उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो का नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।